हेलो फ्री फायर लवर्स, क्या हाल है? फबी के हो? फुली और फबी बहुत बहुत बढ़िया और मस्त होंगे एंड आगे भी बढ़िया रहना। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि गाइस, आप लोग अपने गूगल के अकाउंट को अपने दूसरे मोबाइल में कैसे भेज सकते हो। अभी मजा आएगा ना वीडियो। लाइक गाइस, अगर आपको जो पुराना मोबाइल है या तो वो खो गया है या तो गाइस उसके साथ कुछ भी हो गया है और आपकी जो आईडी है जो कि गूगल से बनी हुई है, आप लोग उसको अपने न्यू मोबाइल में ओपन करना चाहते हो, तो आप लोग कैसे करोगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो भाइयों, आप लोग समझ सकते हो ये वीडियो और फबी फ्री फायर प्लेयर्स के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड कितना ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। वेल गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तब आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी के साथ में अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तब आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, बिकॉज गाइस आपका भाई आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज लाता रहता है। तो वेल गाइस, अभी आप लोग सबसे पहले यहाँ से मेरी आईडी देख सकते हो, जो कि भाई यहाँ पर ये जो आईडी है वो मेरी गूगल की आईडी है एंड यहाँ पर अभी एक लेवल है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर आपकी आईडी के जितने भी लेवल हो, तो गाइस यहाँ पर लेवल मैटर नहीं करता, ठीक है। तो अभी आप लोग इसकी यूआईडी वगैरह को देख सकते हो जो कि यहाँ पर कुछ इस तरह की है और इसी के साथ में अभी आप लोग इसका यहाँ से स्टेटस भी देख सकते हो जो कि गूगल से यहाँ पर ये आईडी बनी हुई है और अभी आप लोग इस आईडी का नाम भी देख सकते हो। तो भाई, आज के इस वीडियो में यहाँ पर ये जो आईडी है, इस आईडी को मैं अपने दूसरे मोबाइल में ओपन करने वाला हूँ। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो आईडी है इसको मैं अपने पीसी में ओपन करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग इसको दूसरे मोबाइल में ओपन करो या तो पीसी में ओपन करो। तो अभी चलो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग इस आईडी को अपने दूसरे मोबाइल में कैसे ओपन कर सकते हो। तो वेल गाइस, अभी आप लोग देख सकते हो हम लोग यहाँ पर अपने दूसरे मोबाइल में आ चुके हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पर अपने कंप्यूटर में आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी चलो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग अपने उस आईडी को यहाँ पर कैसे लॉग इन करोगे। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले अगर आपको जो दूसरा मोबाइल है उसमें अगर कोई फ्री फायर की आईडी लॉग इन है तो सबसे पहले आपको उसको लॉग आउट कर देना है, ठीक है। तो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास एक आईडी ऑलरेडी लॉग इन थी, तो मैं सिंपली इसको लॉग आउट कर दिया हूँ। और आईडी को लॉग आउट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे चले आना है, ठीक है। यहाँ पर ये जो लॉगिन करने का ऑप्शन होता है और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पर ये जो मोर का ऑप्शन है आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर ये जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है यहाँ पे लिखा हुआ साइन इन विथ गूगल, तब आपको यहाँ पर ये जो साइन इन विथ गूगल है आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ ऐड अनदर अकाउंट आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और जब आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दोगे तब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। और अब इसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो आपका पुराने फ़ोन का ईमेल था आपको सिंपली यहाँ पर ईमेल डाल करके आपको यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर अपना ईमेल का पासवर्ड डालना है, जो भी आपके ईमेल का पासवर्ड रहेगा तो आप लोग यहाँ पर पासवर्ड वगैरह डाल लेना। तो अभी आप लोग देख सकते हो गाइस, हमने यहाँ पर अपना पासवर्ड भी डाल लिया और पासवर्ड को डालने के बाद आपको यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ से इसको एग्री कर लेना है और एग्री करने के बाद आप लोग देखोगे कि यहाँ पर जो आपका अकाउंट रहेगा वो आपके फ़ोन में लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद गाइस आप लोग देखोगे कि यहाँ पर जो आपके दूसरे फ़ोन में आईडी लॉगिन थी वो यहाँ पर अभी न्यू फ़ोन में लॉगिन हो चुकी है, ठीक है। तो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसको टैप टू बिगिन कर दिया है और टैप टू बिगिन करने के बाद अभी चलो आपको मैं दिखाता हूँ कि मतलब कि ये वही आईडी है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग सिंपली यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अभी आप लोग यहाँ से मेरी यूआईडी वगैरह को देख सकते हो और अभी आप लोग यहाँ से मेरा नेम भी देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो आईडी थी वो पहले मेरे दूसरे फ़ोन में लॉगिन थी और यहाँ पर अभी दूसरे फ़ोन में लॉगिन हो चुकी है। और इसी के साथ में अभी आप लोग सेटिंग से यहाँ पर इसके स्टेटस भी देख सकते हो, यहाँ पर भी गूगल आ चुका है और यहाँ पर भी मेरी आईडी का नेम आ चुका है जो कि यहाँ पर मेरे पहले वाले मोबाइल में लॉगिन था। आई होप गाइस आपको पता चल गया होगा कि आप लोग अपनी गूगल की आईडी के फ्री फायर को दूसरे फ़ोन में कैसे लॉगिन कर सकते हो, वो भी गाइस बहुत ही आसानी के साथ में। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तब आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी के साथ में अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तब आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, बिकॉज गाइस आपका भाई आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता है। मैं मिलता हूँ आपको भी से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।